नमस्कार। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम पाठमाला कक्षा 7 का 9वां पाठ आत्मावलंबन। इस पाठ में हम लोग इसका हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न करेंगे। सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 7 चैप्टर 9 आत्मावलंबन। इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास प्रश्न। आत्मावलंबन का मतलब होता है आत्म अवलंबन, यानी अपना सहारा, स्वावलंबन। स्वावलंबन आत्मावलंबन एक ही चीज है, यानी अपने ऊपर निर्भर होना। तो आत्मावलंबन पाठ के माध्यम से आपको संख्या बोध, संख्याओं का बोध भी सिखाया जाएगा। तो चलते हम लोग शुरू करते हैं अपना पाठ। आपको यहाँ बताया जा रहा है कि संख्या का जो प्रयोग है वो विशेषण के रूप में होता है, अर्थात विशेष्य के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही संख्यावाची शब्दों का लिंग विभक्ति और वचन होता है। 1 से 4 तक की संख्याओं के तीनों लिंगों के रूप अलग अलग होते हैं तथा 5 से आगे की संख्याएं तीनों लिंगों में समान होती है। मैंने संख्यावाचक शब्द पर एक वीडियो बनाया है 1 से 100 तक। आप लोग को अगर कहीं कठिनाई हो तो आप लोग उसे देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको 1 से 4 तक की संख्या को लिंग के आधार पे बता रहे हैं। एकह बालकह खादति, पुलिंग में एकह होता है, स्त्रीलिंग में एका होता है और नपुंसक लिंग में एकम होता है, एक संख्या के लिए। अब वाक्य के द्वारा हम देखेंगे। एकह बालकह खादति, एक लड़का खाता है। श्रेया एका शोभना बालिका अस्ति, श्रेया एक अच्छी लड़की है। एकम शोभनम पुष्पम अपतत, एक सुंदर फूल गिरता है, गिरा। दो संख्या के लिए पुलिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे का प्रयोग होता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं। द्वौ अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। आप देख रहे हैं कि अश्वौ, अश्वौ का मतलब भी होता है दो, लेकिन दो संख्या को दर्शाने के लिए यहाँ पर द्वौ का प्रयोग किया गया है, यानी दो घोड़े दौड़ते हैं। स्त्रीलिंग में द्वे महिले भ्रमतः, दो महिलाएं घूमती हैं। द्वे पुस्तके सतः, दो पुस्तक हैं। तो इस प्रकार से तीन संख्या के लिए पुलिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रिणी का प्रयोग होता है। उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। त्रयः गजाः गच्छन्ति, तीन हाथी जाते हैं। आप देखेंगे गजाः बहुवचन है, तीन संख्या जो है बहुवचन को सूचित करती है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की आई है। तीसरा शिक्षिका पाठयन्ति, तीन शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए तीसरा का प्रयोग किया गया है, तीसरा का प्रयोग किया गया है। त्रीणी वाद्य यंत्राणि संति, तीन वाद्य यंत्राणि यानी बाजा हैं, तीन बाजे हैं। चार संख्या के लिए पुलिंग में चत्वारह, चत्वारह खगा उड़न्ते, चार पक्षी उड़ते हैं। चतस्त्र कन्या क्रीडन्ति, चार कन्याएं खेलती हैं। चत्वारी क्रीडकानि संति, चार खिलौने हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिंग के आधार पे 1 से 4 तक की संख्या का वाक्य में प्रयोग के द्वारा आपको समझाया गया है। एक बार हम लोग फिर इसे देख लेते हैं। पुलिंग में एकह, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसक लिंग में एकम। दो संख्या के लिए पुलिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। तीन संख्या के लिए पुलिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में तिस्त्रः और नपुंसक लिंग में त्रिणी। चार संख्या के लिए पुलिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारी का प्रयोग किया जाता है। अब 5 से आगे सभी संख्याएं जो है तीनों लिंग में समान होती हैं, यानी पंच वानरः, पंच बालिका, पंच फलम तीनों लिंग में हो जाएगा। षड् नत्राणि, सप्त लेखन्या सन्ति, यानी 6 तारे हैं, नक्षत्राणी 6 तारे हैं, 5 बंदर हैं, सप्त लेखन्या संति,
पांच लेखनी वाली कलम है। अष्ट पत्राणी आठ पत्ते हैं, नव ग्रह संति नौ ग्रह हैं, दस पुस्तकाणी संति दस पुस्तकें हैं, किताबें हैं। अब यहां से यहां पर एक से बीस तक की संख्याओं को कक्षा छह में पढ़ाया जा चुका है, तो इस पाठ में आपको 21 से दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं 21 को क्या कहते हैं। एक विंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रयोविंशति 23, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, षड्विंशति 26, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29 और त्रिंशत 30। नवविंशति को एकोन त्रिंशत भी कहा जाता है, यानी त्रिंशत से एक का। 31 संख्या के लिए एक त्रिंशत 31, द्वात्रिंशत 32, त्रयत्रिंशत 33, चतुर्त्रिंशत 34, पंचत्रिंशत 35, षट्त्रिंशत 36, सप्तत्रिंशत 37, अष्टत्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39 या एकोनचत्वारिंशत। एकोनचत्वारिंशत का भी प्रयोग किया जाता है, यानी 40 से एक कम, और चत्वारिंशत 40, एक चत्वारिंशत 41, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिचत्वारिंशत 43, चतुर्चत्वारिंशत 44, पंचचत्वारिंशत 45, षट्चत्वारिंशत 46, सप्तचत्वारिंशत 47, अष्टचत्वारिंशत 48, नवचत्वारिंशत 49 या एकोनपंचाशत 49 और पंचाशत 50। इस प्रकार से आपको 21 से 50 तक की संख्या इस पाठ में बताई गई है, और आपको एक से लेकर के चार तक की 10 तक की संख्या आपको उधर बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं आत्मावलंबन, यानी स्वयं का सहारा, मनुष्य का अपना सहारा कितना मजबूत होता है उसके बारे में पढ़ना है। सिद्धार्थ समर्थश्च द्वय मित्रे आस्ताम। सिद्धार्थ और समर्थ दो मित्र थे। सिद्धार्थस्य पिता सामान्य अध्यापका आसीत। सिद्धार्थ के पिता एक साधारण शिक्षक थे, परंतु समर्थस्य पिता रत्न व्यापारी आसीत। परंतु समर्थ के पिता रत्न व्यापारी, यानी उनकी आभूषण की दुकान थी, आभूषण के व्यापारी थे। तस्य गृहं विशालम आधुनिक है सर्वविधे सुख साधने संपन्नम आसीत। उसके विशाल घर में आधुनिक, सभी प्रकार की आधुनिक सुख सुविधाओं के साधन संपन्न थे, यानी सिद्धार्थ के घर में, सॉरी समर्थ के घर में, घर जो था बड़ा था, और उसके घर में आधुनिक सारी सुख सुविधाओं के साधन से उसका घर जो था संपन्न था। तस्मिन् भवने द्वाविंशतिषु प्रकोष्ठेषु चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि, अष्टत्रिंशत् गवाक्षा, एकत्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि, सप्तविंशति दीपदंडा, विंशति वातानुकूलानि च आसन। तो यहाँ पे आपको संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग बताया जा रहा है। तस्मिन् भवने उस भवन में द्वाविंशतिषु, यानी कि 20 से दो अधिक 22 प्रकोष्ठेषु कमरे, चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि यानी 44, चतुर्चत्वारिंशत् यानी 40 से चार अधिक तो 44 दरवाजे, अष्टात्रिंशत् गवाक्ष यानी 30 से आठ अधिक 38 गवाक्ष यानी खिड़कियां, एक त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि 30 से एक अधिक यानी 31, 31 विद्युत व्यंजनानि यानी बिजली के समान, जैसे कि कूलर, फैन, टीवी, कंप्यूटर, ये सब,
इलेक्ट्रिक के समान और सप्तविंशति दीप दंडा 20 से 7 अधिक 27 दीप दंडा यानी मरकरी ट्यूबलाइट विंशति वातानुकूलानी और 20 जो है आपको एसी एयर कंडीशन मशीन च आसन थे। गृहस्य समीपे एकम उपवनम आसीत, घर के पास एक बगीचा था, तस्मिन् उपवने उस बगीचे में 28 यानी 20 से 8 अधिक 28 अशोक वृक्षा अशोक के पेड़ 35 पादपाह और 35 पौधे आसन थे। गृहे 5-10 सेवका अहर्निशम सेवा कार्यम अकुर्वन और घर में 5-10 यानी 15 सेवक नौकर जो थे वो अहर्निशम दिन रात सेवा कार्य करते थे। एकस्मिन् दिवसे समर्थ सिद्धार्थस्य गृहम् 8 अगच्छत्। एक दिन समर्थ सिद्धार्थ के घर 8 गया। सिद्धार्थस्य माता स्वशक्त्या सामर्थस्य स्वागतम अकरोत्। सिद्धार्थ की माने अपनी शक्ति स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति के अनुसार समर्थ का स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा समर्थ अवदत्। यह देखकर समर्थ बोला, भवताम स्वागतेन अहम संतुष्ट अस्मि। आपके स्वागत से मैं संतुष्ट हूँ। परंतु मित्र अहम पश्यामि भवताम गृहे को अपि भृत्यः नास्ति। परंतु दोस्त मैं देखता हूँ कि आपके घर में को अपि कोई भी भृत्यः यानी नौकर नहीं है। भवताम बहु कष्टम जातः आपको बहुत कष्ट हुआ। तदा सिद्धार्थ अवदत्। तब सिद्धार्थ बोला, मित्र मम गृहे अपि अष्ट कर्मकार सन्ति। मेरे घर में भी 8 कर्मकार यानी काम करने वाले हैं, नौकर हैं। 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आँखें 2 कर्णों 2 कान इति प्रति समय मम सहायक सन्ति। ये हर समय मेरे सहायक हैं। परंतु तव सेवका सदैव सर्वत्र च उपास्थातुं न शक्नुवन्ति। परंतु तुम्हारे सेवक हमेशा सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते। यदा ते अनुपस्थिता जब वे अनुपस्थित होते हैं तदा त्वं कष्टम अनुभवसि तब तुम कष्ट का अनुभव करते हो। आत्मावलंबेन तु सदा सुखमयमेव जीवनं भवति। आत्मावलंबेन यानी अपने बल से अपने सहारे से तु हमेशा सुखमय जीवन होता है। समर्थः उक्तवान। समर्थ बोलता है, मित्र तौ वचनानि श्रुत्वा मम मनसि अधिका प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचन को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। साम्प्रति अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब मैं भी अपना काम स्वयं ही करना चाहता हूँ। अधुना अहम गृहं गच्छामि। अभी अब मैं घर जाता हूँ। स्वविद्यालये मेलिष्यावः। कल विद्यालय में हम दोनों मिलेंगे। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूल्य आलस्यमि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः। यानी आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य जो है शत्रु है, वह किसी काम को करने की इजाजत नहीं देता है। और इस प्रकार से आलस्य के कारण मनुष्य का विनाश हो जाता है। तो मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। अब हम लोग इस पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे। तो छात्र इस पाठ के शब्दार्थ को याद कर लेंगे। और अब हम लोग चलते हैं मौखिक प्रश्न। शुद्धम उच्चारणम कुरुत। शुद्ध उच्चारण करना है। विंशतिः त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् शतम् सहस्त्रम्।
क्वेश्चन नंबर टू में उच्चारणम कृत्वा अर्थम वदत, उच्चारण करके अर्थ बताना है। चत्वारः पुस्तकालयः, चार पुस्तकालय। त्रयोदशः वृक्षः, तेरह वृक्ष। नव संगीतस्य अध्यापकः, नौ संगीत की अध्यापक। चतुर्दश जम्बु वृक्षः, चौदह जामुन के पेड़। अब हम लोग लिखित प्रश्न की ओर चलेंगे। विकल्पेभ्य उत्तरम चित्वा लिखत, विकल्प से उत्तर चुनकर लिखना है। उद्याने वृक्षौ शतः, तो यहाँ पे वृक्षौ द्विवचन में है तो, और पुलिंग है इसलिए आपको पुलिंग संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करना होगा यहाँ पर, तो आपका द्वौ सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ख में है कुकुरह क्षेत्रे धावती, कुकुरह खेत में, क्षेत्र में यानी मैदान में धावती दौड़ता है, तो कुकुरह एक वचन है, पुलिंग में एक वचन के लिए एकह का प्रयोग किया जाता है यानी एकह कुकुरह क्षेत्रे धावती। ग में कन्या नृत्यंती, कन्या बहुवचन है और स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके लिए तिस्त्रह सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गृहाणी संति, गृहाणी आप देख रहे हैं नपुंसक लिंग शब्द है और बहुत सी घरों का बोध हो रहा है तो इस प्रकार से नपुंसक लिंग का हम लोग प्रयोग करेंगे, लेकिन एक से चार तक की संख्याएं लिंग के अनुसार चलती हैं, बाकी संख्याएं सभी लिंगों में समान चलती हैं, तो यहाँ पे आपका नव नव गृहाणी संति सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है। गजस्य चत्वारि पादा शन्ति, आप देख रहे हैं पादा जो है बहुवचन है, पैर के लिए चार संख्या का बोध हो रहा है तो पादा बहुवचन है और पुलिंग है और यहाँ पे चत्वारि नपुंसक लिंग है तो यहाँ पे पुलिंग संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होगा, तो गजस्य चत्वारः पादा शन्ति, हाथी के चार पैर है। अहम एकम कन्याम पश्यामि, तो कन्याम जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है और एकम नपुंसक लिंग है, मैं एक कन्या को देखता हूँ, तो एक के लिए स्त्रीलिंग संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा अहम एका कन्याम पश्यामि, मैं एक कन्या को देखता हूँ। उद्याने त्रयः बालिकाः क्रीडन्ति, उद्यान में तीन बालिका खेलती हैं, लेकिन त्रयः जो है ये पुलिंग शब्द है और बालिका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे हम लोग बालिका के अनुसार तीन संख्या को सूचित करेंगे, तो उद्यानम तिस्त्रः बालिकाः क्रीडन्ति, उद्यान में तीन लड़कियां खेलती हैं। चटका स्त्रीलिंग शब्द है और इसके लिए नपुंसक लिंग तीन संख्या का प्रयोग किया गया है तो हम लोग यहाँ पे त्रीणी चटका न रखकर तिस्त्रः चटका होगा, यहाँ तिस्त्रः चटका उड़न्ती, तीन चिड़िया तिस्त्रः, आपको तिस्त्रः इस संख्या का यहाँ पर प्रयोग करना होगा, तिस्त्रः चटका उड़न्ती, तीन चिड़िया उड़ती। क्वेश्चन नंबर तीन में कोष्ठगत शब्द है उचितम पदम निर्माय रिक्त स्थानानि पूरयेत, ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनको लिंग के अनुसार प्रयुक्त करना है, तो अत्र विडाला संति, विडाला जो है पुलिंग बहुवचन है और तो इसके लिए चार संख्या को आपको सूचित करना है तो होगा चत्वारः, यानी अत्र चत्वारः विडालः संति, यहाँ चार बिल्ली है। मम हस्तयो अंगुल्यः, अंगुल्यः देख रहे हैं पुलिंग शब्द है और आपको बताया गया है कि 10 से 5 से लेकर के बाकी जो संख्या होती है लिंग के अनुसार नहीं परिवर्तित होती है तो यहाँ पे 10 का ही प्रयोग होगा, 10 उंगलियाँ संति, मम हस्तयो 10 उंगलियाँ संति। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ऋत्वः सदः, ऋत्वः षड् या षड् दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, षड् ऋतु या षड् ऋतु, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर तीन जो है पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में संस्कृत में अनुवाद करना है। दिशाएं 10 होती हैं तो दिशाएं बहुवचन है तो दिशा दशा, दिशा दस भवंती, दिशाएं 10 होती हैं। 6 नक्षत्र होते हैं, षड् नक्षत्राणि संति, 6 नक्षत्र
होते हैं। नक्षत्राणि इसलिए हुआ कि नक्षत्र जो है नपुंसक लिंग शब्द है, तो उसका बहुवचन शब्द हुआ। ग्रह नौ होती हैं, तो ग्रह नव भवंती, ग्रह नौ होते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं, एकस्मिन मासे 30 दिनानि भवंती, एक महीने में 30 दिन होते हैं। ऋतुएं 6 होती हैं, ऋतु षड् भवंती, ऋतुएं 6 होती हैं, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हो। अब अधोलिखित संख्या संस्कृत लिखें, नीचे संख्या दी गई है उसको संस्कृत में लिखना है। 30 संख्या के लिए 30 का प्रयोग करेंगे, 45 के लिए 45 यानी 40 से 5 अधिक पंच चत्वारिंशत, 25 के लिए यानी 20 से 5 अधिक पंचविंशति, 36 के लिए यानी 30 से 6 अधिक षड्त्रिंशत्, 47 के लिए 40 से 7 अधिक सप्तचत्वारिंशत्, 28 के लिए 20 से 8 अधिक अष्टाविंशति, और 18 के लिए यानी 10 से 8 अधिक अष्टदश, और 23 के लिए यानी कि 20 से 3 अधिक तो त्रयोविंशति का प्रयोग होगा। अब यहाँ विशेषण विशेष सह मिले, विशेषण को विशेष के साथ मिलाने हैं, तो एका एका जो है स्त्रीलिंग संख्यावाचक शब्द है, एक संख्या को दर्शा रहा है, तो जिह्वा, जिह्वा भी स्त्रीलिंग है, एका जिह्वा। द्वे, द्वे नेत्रे, दो आंखें, द्वयो हस्तयो, दोनों हाथों से या दोनों हाथों में, एकस्य मुखस्य, एक मुख का, और एकह पा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत, नीचे लिखे विकल्पों से उचित उत्तर चुनना है। अंकों के आगे शून्य लगाने से अंकों और शून्य की कीमत बढ़ जाती है, इस आधार पर बताइए कि किसमें ताकत होती है, एकता में, अनेकता में या धन में। तो इस पाठ के अनुसार एकता में ताकत होती है। अब हम लोग रचनात्मक अभ्यास करेंगे, इन संख्याओं को देख करके आपको संख्यावाचक शब्द का प्रयोग करना है, और जो वस्तु दी गई हैं उनके नाम के साथ लिंग के अनुसार आप लोग इसका प्रयोग करेंगे, तो छात्र इसका अभ्यास स्वयं करेंगे। आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा, और कमेंट करिएगा, बताइएगा कि मेरा प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।